लास्ट नाइट कल अपन ने शुरू किया था बाघ, वेंजुलू का बाघ देना शुरू किया था। उसी का सवाल क्या करते हैं, एक्स वॉर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक को एक्स माइनस एक से भाग देना, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। प्रश्न आसान है भाग देने के, एक्स माइनस एक का भाग देना है एक्स फॉर एक्स क्यू टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक में। भाग देने का नियम कल बताया मैंने आपको, सबसे पहले क्या करना है, अंदर वाले पहले पद में बाहर वाले पहले पद का भाग देना है, अंदर वाले पहले पद में बाहर वाले पहले पद का भाग। अंदर पहला पद क्या है x4, अंदर पहला पद क्या है x4, बाहर पहला पद क्या है x, x4 में x का भाग लगाओ, यहाँ घात एक मान लो, कोई घात नहीं है क्या मान लो एक, चार में से घटाओ क्या बच गया तीन, क्या आ गया भागफल एक्स क्यूब आ गया। तो अंदर वाले पहले पद में बाहर वाले पहले पद का भाग, अंदर वाले पहले पद में बाहर वाले पहले पद का भाग, अंदर एक्स फोर है बाहर एक्स है, एक्स फोर में एक्स में भाग गया क्या उत्तर आया एक्स क्यूब आ गया, क्या भागफल आया एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब की गुणा करनी है इन दोनों से करनी है, एक्स क्यूब की गुणा करनी है इन दोनों से करनी, कैसे करोगे, भागफल क्या आया एक्स क्यूब, भागफल क्या आया एक्स क्यूब, गुणा किससे करनी है, पहले क्या है एक्स है एक्स से गुणा, फिर माइनस एक है माइनस एक से गुणा, यहाँ एक मान लो घात तीन और एक चार, एक्स फोर आ गया, एक्स क्यूब इंटू एक माइनस एक्स क्यूब आ गया, एक्स फोर आ गया माइनस एक एक्स क्यूब, एक का मतलब निकालो भली एक्स क्यू एक्स फोर आ गया और क्या आया माइनस का एक्स क्यूब आ गया, एक है लगा दो आपकी इच्छा नहीं लगाओ आपकी इच्छा, लगा दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो गया। अब क्या करना है दूसरे पद का चिन्ह बदलना है, दूसरे पद का चिन्ह बदलना है, दूसरा पद प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, दूसरे पद का चिन्ह बदलना है, बदल दिया दूसरे पद का चिन्ह। तो अब यहाँ प्लस का एक्स फोर है यहाँ माइनस का एक्स फोर, यहाँ प्लस का एक्स फोर है और यहाँ माइनस का एक्स फोर है, प्लस का एक्स फोर है और माइनस का एक्स फोर कट गया आपस में क्योंकि संख्या समान और चिन्ह असमान, क्या हो गया विलोपन हो गया। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ क्या है प्लस यहाँ क्या है प्लस, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर एक मान लो कोई नहीं है तो एक और एक दो क्या हो गया प्लस का दो एक्स क्यूब, क्या आ गया प्लस का दो एक्स क्यूब, माइनस का ऊपर से उतार लिया दो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का एक ही ऊपर से अपन ने उतार लिया। तो यहाँ प्लस का पहले ये माइनस था प्लस बन गया, तो दूसरे पद के चिन्ह बदले तो ये प्लस का बन गया, दोनों प्लस के होकर जुड़ गया तो एक और एक दो दो एक्स क्यूब आ गया माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, फिर अंदर वाले पहले पद में बाहर वाले पहले पद का भाग, अंदर क्या है दो एक्स क्यूब बाहर क्या है x, दो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ तीन है और यहाँ एक है, तीन में से घट गया दो बच गया, क्या उत्तर आया दो एक्स स्क्वायर, क्या उत्तर आया दो एक्स स्क्वायर, प्लस का दो एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है x से और माइनस एक से, दो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इससे गुणा करनी है x से और माइनस एक से, यहाँ एक घात मान लो दो एक तीन, क्या आ गया दो एक्स क्यूब और यहाँ आ गया माइनस का दो एक्स स्क्वायर, दो एक्स क्यूब और माइनस का दो एक्स स्क्वायर, एक्स दो एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया दो एक्स क्यूब आ गया, दो एक्स स्क्वायर को एक से गुणा किया माइनस का दो एक्स स्क्वायर आ गया, क्या उत्तर है दो एक्स क्यूब और माइनस दो एक्स स्क्वायर, प्लस का दो एक्स क्यूब और माइनस का दो एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है दूसरे पद का चिन्ह बदलना है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, क्या किया दूसरे पद का चिन्ह बदला प्लस का माइनस माइनस का प्लस, यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है और यहाँ किसका चिन्ह है माइनस का,
संख्या समान है और चिन्ह असमान है, संख्या समान है और चिन्ह क्या है असमान है, तो इसका अवलोकन कर लो। हो गया अवलोकन इसका। यहाँ देखो, यहाँ किसका चिन्ह है माइनस का, यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का, यहाँ माइनस और प्लस का चिन्ह है, दोनों दो एक्स स्क्वायर सेम है। फिर से यहाँ पर क्या हो गया, संख्या समान हो गई और चिन्ह क्या हो गया असमान हो गया। संख्या समान है और चिन्ह क्या है असमान है, इसका भी क्या कर देंगे अवलोकन कर देंगे, क्योंकि दो एक्स स्क्वायर दोनों में और चिन्ह देखो असमान, ये पहले माइनस दोनों माइनस के थे, पहले क्या दोनों माइनस के थे, लेकिन जब चिन्ह बदला दूसरे बदला तो ये माइनस प्लस बन गया, तो ये माइनस और ये प्लस, संख्या समान और चिन्ह असमान, विलोपन इसका भी हो गया। ऊपर से उतार लो x प्लस एक, क्या उतार लिया ऊपर से x प्लस एक उतार लिया। अब अंदर वाले पहले पद में बाहर वाले पहले पद का भाग, अंदर पहला पद क्या है x, बाहर पहला पद क्या है x, x मैक्स का भाग दिया कितनी भाग गया एक भाग, क्या भागफल आ गया एक, क्या भागफल आ गया एक, भागफल आ गया एक, यहाँ लगा दो एक। अब एक की गुणा करनी है इन दोनों से करनी है, एक एक पहले x से गुणा फिर माइनस एक से गुणा, ये हो गया एक एक्स और ये हो गया माइनस का एक, एक एक्स और माइनस का एक, तो यहाँ क्या आ गया एक एक्स और माइनस का एक, ये प्लस के हैं दोनों। तो क्या करना है अपने को, दूसरे पद का चिन्ह बदलना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, क्या किया अपन ने दूसरे पद का चिन्ह बदल दिया। अब एक्स की बात करते हैं, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, संख्या समान चिन्ह असमान, संख्या समान चिन्ह असमान, क्या करते हैं विलोपन कर देते हैं। हो गया विलोपन इसका, क्यों हो गया, क्योंकि संख्या समान और चिन्ह क्या है असमान। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का, यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का, समान चिन्ह आ गया दोनों, एक और एक कितना हो गया दो, दो क्या हो गया यहाँ पे सिक्स, दो क्या हो गया सिक्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के प्रश्न करेंगे।